सच के साथ। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने गुरुवार को पराकर स्मृति भवन परिसर में विधायक निधि से शहर दक्षिणी की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी क्रम में उन्होंने परालकर स्मृति भवन परिसर में 15 लाख की लागत से एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी और कहा कि समय से योजनाएं पूरी होंगी। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जितना विकास कार्य हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम हो चुका है। इसमें पुल, सड़क चौड़ीकरण, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार समेत अनेक कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि काशी की गलियों से अनेक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धाराएं निकली हैं। रामराज्य राजसत्ता के संचालन का सबसे बड़ा माध्यम है। विकास की संभावनाओं के मद्देनजर यहाँ 5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। पर्यटन उद्योग को यहाँ पंख लगे हैं। अयोध्या के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। स्वागत भाषण काशी पत्रकार संघ के महामंत्री डॉक्टर अत्री भारद्वाज और धन्यवाद ज्ञापन संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने दिया। संचालन रोहित चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, राजनाथ तिवारी और बीबी यादव, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, एके लारी, आलोक श्रीवास्तव, शैलेश चौरसिया, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, वीरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष पांडे, अरुण मिश्र, अरुण कुमार सिंह, अमित मिश्रा, सुरेंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार तथा भाजपा महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष गणेश जी गुप्ता, नलिन नयन मिश्र, आत्म विश्वेश्वर, संदीप चतुर्वेदी समेत कार्यदायी संस्था यूपी सिडको, जल निगम और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बोध एंड के आसपास परियोजनाओं का आज शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया गया है। करीब 5 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं, जिसमें सड़कों का है, ट्यूबवेल है, सामुदायिक भवन है, अन्य भी डेवलपमेंट के कार्य हैं। कुछ विधायक निधि के हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए त्वरित विकास के कार्यों से संबंधित हैं, कुछ अवस्थापना निधि के कार्य हैं। इसे अनेक कार्य यहाँ पर आज शिलान्यास किए गए हैं, जिसमें पड़ारकर स्मृति भवन के भी कार्य हैं और भी कार्य हैं। इन कार्यों से जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर एक नया सामुदायिक भवन बन रहा है, जो करीब लगभग 11 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा होगा। उसमें एसी वगैरह सारी सुविधा होगी और बाथरूम वगैरह भी बनेगा। एक हम लोगों के लिए महसूस की जा रही थी ज़रूरत इसकी, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल छोटा पड़ता था, तो इसके बनने से बड़े स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे यहाँ आयोजित हो सकते हैं, गोष्ठियाँ हो सकती हैं उसमें, जो कम से कम पचास सदस्यों की। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सच के साथ।